हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज है 18 अगस्त और रेलवे ग्रुप डी का 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। आपसे जो फर्स्ट शिफ्ट में 45 जीके साइंस और करंट अफेयर के जो रियल क्वेश्चन 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आपसे आज पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन करेंगे अपने इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की सटीक एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, रोजाना सबसे पहले सटीक एनालिसिस देखने के लिए। पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आपसे फर्स्ट शिफ्ट में एक फिर से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। कल भी आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और आज वाले फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में भी आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में जो है ना मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे आर्टिकल 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको बता दूं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपको कमेंट में बताना है कि जो मूल मौलिक कर्तव्य हैं ये भारत ने किस देश के संविधान से लिए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। एक क्वेश्चन आया था फिर से समीकरण से। कल भी समीकरण से बहुत क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में। आज भी एक क्वेश्चन आया, ब्लीचिंग पाउडर का समीकरण बताओ, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो देखिए, जो समीकरण है वो इस प्रकार से था। देखिए CaOH2 और यहाँ पे अगर Cl2 इसके साथ मिलाते हैं तो जो बनेगा हमारा वो बनेगा CaO Cl2 + H2O। ये वाला समीकरण आपका बिल्कुल सही होगा, ब्लीचिंग पाउडर का। ये वाला आपको करना था ऑप्शन में। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यह एक सफ़ेद पाउडर है, इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जो क्लोरीन की गंध को दूर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था इस्लाम धर्म के फाउंडर। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है ये पूछा गया। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मुहम्मद। हजरत मुहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म वर्ष भी याद रखिएगा, मक्का में 1570 ईस्वी में हुआ था। और इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में 613 ईस्वी के बाद से जो है ना हजरत मुहम्मद ने इस्लाम के बारे में ज्ञान देना लोगों को शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, पंकज आडवाणी ने 2022 में किसको हराकर बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, विलियर्स नहीं, ये होगा बिलियर्ड्स। देखिए, पंकज आडवाणी ने 2022 में बिलियर्ड्स का जो खिताब है ना, ये दोस्तों ध्रुव सीतवाला को हराकर जीता है। भारतीय क्यूस्ट पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीतवाला को हराकर अपना 8वां खिताब जीता। यह कहाँ खेला गया था, ये आपका दोहा कतर में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर यह आडवाणी का 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 8वां एशियाई ताज है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था, अभी वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू है। कल भी पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आए थे, आज फर्स्ट शिफ्ट में फिर से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा है। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू है ये पूछा है। देखिए, जो योजना है ना, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अभी वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी है। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 2017 में 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना शुरू है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में 2022 तक कुल कितनी भाषाएं हैं। ये भी एक तरह से करंट अफेयर का ही क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि 2022 दे रखा था क्वेश्चन में। देखिए, वर्तमान में 2022 तक जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषाओं का जिक्र हमें मिलता है, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। वो आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपके स्क्रीन पे हैं। ये सभी 22 भाषाएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है ना वो कौन सी है, तो आप कहोगे हिंदी है। ये क्वेश्चन कल वाले एग्जाम में आया था तीसरे शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में कि एसी जो जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनरेटर की बात करें तो ये दोस्तों जो एसी जनरेटर होता है ये माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बदले में आपको एक लाइक और शेयर करना तो आपका बनता है। और रोजाना ऐसी एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का पूरे एग्जाम का,
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोजाना सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर के साथ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, भारत निर्माण कार्यक्रम कब वे किसने शुरू किया था। भारत निर्माण कार्यक्रम को जो है ना, देखिए दोस्तों, ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश की ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल था। तो यहाँ पे डेट आपसे पूछी थी, तो 16 दिसंबर 2005 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आज आपसे, लोसर उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए, अगर ऑप्शन में लद्दाख था तो आपका लद्दाख राइट आंसर होगा। ये कार्यक्रम नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म का ये पारंपरिक त्यौहार होता है। अगर देखिए ऑप्शन में लद्दाख नहीं था तो आपको तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे ये महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व त्यौहार है। देखिए लद्दाख के अलावा ये भारत के असम और सिक्किम, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है और ये बौद्ध धर्म का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन है, जो कि तमिलनाडु का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। देखिए आपसे गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया था, पहले ही बता दूं, यह आपसे भारतीय का नाम पूछा था। तो सती प्रथा का अंत ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में था तो वो आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है दोस्तों, ये देखिए भारत का जो आर्थिक मामलों के जो विभाग होते हैं, वो भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर होगा भारत का वित्त मंत्रालय। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। तो राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं सैली सिंह हैं। तो सैली सिंह अगर ऑप्शन में था तो वो आपको करेक्ट करना था। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आया है, 2021-22 के ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं कल से अभी तक की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। चार धातुओं के नाम दिए गए थे, जिनमें से एक ऑप्शन में था सोडियम। सोडियम आपको पता होगा ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा होती है। पहले तो बता दूं, पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु का त्यौहार है और इसमें जो है ना सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो सूर्य आपका राइट आंसर था। एक आया था कि पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन कब किया गया था। कल भी आपसे तीनों शिफ्टों में पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, राजस्थान में, ठीक है। और आज पूछा है पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 24 अप्रैल 1993 में हुआ था, याद रखिएगा। एक और इस पे क्वेश्चन बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी, ये कल सेकंड शिफ्ट में आया था। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 73वां संशोधन में। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग 9 शामिल किया गया, जिसमें 16 अनुच्छेद और संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल की गई। 73वां संशोधन राज्य विधानसभाएं द्वारा सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान की पूछी है, तो 34 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 है। और अगर आपसे 1950 का पूछे कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे, तो 7 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में स्थान पूछा गया था, यह भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में स्थान 3रा नंबर है, तो 3रा राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार द्विवार्षिक वृद्धि दर क्या रही है, तो 0.32% है, कहीं पे आपको 0.28% भी मिलेगा। जो भी दोनों में से ऑप्शन में आए वो आपको करेक्ट कर देना है। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 21, ये किससे रिलेटेड है। आर्टिकल से फिर से 3 से 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो इस टॉपिक पे जरूर फोकस कीजिए। अनुच्छेद 21 ये जीवन के अधिकार
जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रकाश संश्लेषण में पौधे श्वसन कैसे करते हैं। देखिए पौधे पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वसन करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, पेड़ पौधे में कौन सी घटना दिन और रात के समय में होती है। दो कथन दिए गए थे, एक था कथन श्वसन, दूसरा कथन था प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के धूप की आवश्यकता होती है जो कि रात में नहीं होता है, तो ये वाला दूसरा कथन गलत हो गया। सही कथन था श्वसन, तो श्वसन सही कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या होता है। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, पर आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबे राइनर 1817 के तीन तत्वों का त्रिक बनाया, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डोबे राइनर का त्रिक का नियम कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, कैल्शियम, ये इस प्रकार से जो है ना ये सभी क्या है एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विटामिन ई का केमिकल नेम बताइए। कल भी केमिकल नेम पूछा गया था, विटामिन डी का पूछा गया था, विटामिन ए का पूछा गया था, आज विटामिन ई का पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, इसका यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C29H50O2 होता है। यह वनस्पति तेलों से हमें प्राप्त होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। इसके जो स्रोत हैं वो वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूं, ये सभी क्या है इसके प्रमुख स्रोत हैं। और एक आपको सारणी बता रहा हूं, ये सारणी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे रट लीजिए, यहाँ पे सभी जो है ना विटामिन के केमिकल नेम है, इनसे आगे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो आज देखिए फर्स्ट यूनिट में जितने क्वेश्चन कराए थे सभी ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन थे। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आगे भी ऐसा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और इन सभी क्वेश्चन का आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है जो कि मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, जय भारत।